उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज की चौथी डोज देश की अर्थव्यवस्था को दे दी है। आज 8 सेक्टर से जुड़ी हुई घोषणाएं हुई हैं। ये 8 सेक्टर्स हैं कोयला, मिनरल्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एयर स्पेस मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा। इनमें से 3 सेक्टर यानी कि कोयला, मिनरल्स और स्पेस को सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। कोयला सेक्टर में सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देगी। अब कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा और बाद में कोयले को खुले बाजार में बेच सकेगा। 50 कोल ब्लॉक निजी सेक्टर के लिए खोले जाएंगे। इसके अलावा 500 माइनिंग ब्लॉक्स को नीलामी के जरिए निजी कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि एयरस्पेस के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियां हटाई जाएंगी और स्पेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। 6 एयरपोर्ट्स का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ऑक्शन होगा। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के पहले चरण में 12 हवाई अड्डों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम निजी कंपनियों के हाथों में दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इसके लिए लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा आज की घोषणाओं में जो सबसे बड़ी खबर निकली है वो डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। डिफेंस प्रोडक्शन में अब मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा और विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया जाएगा। सरकार ने आज जो घोषणाएं की हैं उनके तहत कुछ हथियारों की लिस्ट बनाई जाएगी जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा, ये इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे। इससे देश में काम करने वाली उन डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा होगा जो हथियार बना सकती हैं और इम्पोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बना सकती हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये भारत की एक बड़ी योजना है। इसके क्या प्रभाव होंगे और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए आज की घोषणाएं कैसे संजीवनी साबित होंगी, इसके बारे में हमने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की है। आप ये रिपोर्ट देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफेंस सेक्टर के जरिए मेक इन इंडिया का शेर कैसे दहाड़ने वाला है। आज मोदी सरकार की आर्थिक मदद वैक्सीन डिफेंस सेक्टर को भी दी गई है। आज वित्त मंत्री का सारा जोर देश को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने पर था और इसके साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% करने की भी घोषणा की गई। इसका मतलब ये है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश तक के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, इससे ज्यादा निवेश पर ही सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जहां FDI लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक FDI का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है। कुछ हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अनाउंसमेंट कि कुछ आइटम्स की लिस्ट को ऐसी लिस्ट में रखा जाएगा कि वो आइटम इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए बैंड होंगे, ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेरा ये मानना है कि हमारा देश पूरी तरह सक्षम है, हमेशा से रहा है, हम सब कुछ चीज़ें बना सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा आयात का शौक रहा है और वो आयात पर देश को ऐसा निर्भर बना के रखा है कि हम दशकों से भारत को आयात पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ा, किंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश बनना पड़ा। अब जब ये मार्केट उनके विदेशियों के लिए बंद हो जाएगा तो हमारे देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और न सिर्फ हम आत्मनिर्भर होंगे हथियारों के क्षेत्र में, बल्कि ये जो इकोनॉमिक, जो एक आर्थिक प्रगति हमारे देश की, हमारे अपने इंडस्ट्रीज की होगी, ये
5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में बहुत सहायक होगी। सरकार ने घोषणा की है कि विदेशों पर निर्भरता कम हो इसके लिए पुर्जों का निर्माण भी देश में ही किया जाएगा। इससे देश में काम करने वाली उन डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा होगा जो हथियार बना सकती हैं और इंपोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बना सकती हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि अगर हमने मेक इन इंडिया करना है डिफेंस सेक्टर का तो उसके लिए पैसे की जरूरत है और ये जो FDI है 49 से 74 किया है, पूरा विश्वास है कि जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर से मेक इन इंडिया भारत में करना चाहते हैं उसमें खास फर्क पड़ेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंडिजनाइजेशन होगी इक्विपमेंट की उसके लिए जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उनको कंट्रोल करता है उसको सेपरेट बजट दिया जाएगा और ये सरकार कंट्रोल करेगी हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से और क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा, इसमें सेना को अच्छे हथियार मिल सकेंगे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। ओनली द मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर थिंग विल बी पुट विद द सेम एफिशिएंसी विद द प्राइवेट कंपनीज दे वर्क फॉर प्रॉफिट दे वर्क फॉर सेटिस्फेक्शन दे वर्क टू इंश्योर द क्वालिटी इज इंप्रूव्ड। आज जो घोषणाएं हुई हैं, उनका सीधा मकसद है डिफेंस इंपोर्ट बिल में भारी कटौती करना और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना। जब इंपोर्ट बिल कम होगा तो इसका सीधा फायदा उन भारतीय कंपनियों को मिलेगा जो भारत में ही सैन्य सामान का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेंगी। इससे देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि सरकार अभी इन घोषणाओं के बारे में और डिटेल देगी और इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।